दो दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को भी बगोदर डाकघर के मेन दरवाजे पर ताले लटके रहे। साथ ही मांगों को लेकर डाक कर्मचारी धरना की शक्ल में पूरे दिन हड़ताल पर डटे रहे। इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी का भी दौर जारी रहा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय डाक सेवक संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष मोहन महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण डाक सेवकों को मासिक वेतन डाक बचत खाते में दिया जाता था, लेकिन अब IPPB खाता में दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक निकासी पर 23 रुपए कट जाते हैं। इसका विरोध किया गया एवं पूर्व की ही तरह मासिक वेतन भेजने की मांग की गई। इसके अलावा 2016 में सरकार के द्वारा 12, 24, 36 का आर्थिक उत्थान की घोषणा की गई, वह भी अब तक लागू नहीं हो पाया है। इसे लागू किए जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि उपरोक्त मांगों के अलावा डाक कर्मचारियों के कुल 9 मांगे हैं। सरकार के द्वारा यदि मांगों को पूरा करने की दिशा में पहल नहीं की गई, तब अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत होगी। मौके पर डाक कर्मचारियों में टेकलाल रजक, नवल किशोर श्रीवास्तव, रेवतलाल महतो, अभिषेक रंजन, बंदी महतो, खीरू प्रसाद, गिरजा प्रसाद सिंह, गोपाल महतो, पूरन सिंह, संतोष कुमार, सीताराम प्रसाद, अजय कुमार आदि उपस्थित थे। बगोदर से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। दो दिवसीय जो देशव्यापी हड़ताल डाक कर्मी का जो चल रहा है, ये सरकार की दमनकारी नीति के कारण इसके खिलाफ में दो दिन का हड़ताल पूरे देशव्यापी रखा गया है। सरकार हम लोगों को कोई भी चीज़ जो हम लोगों का मांग होती है उसमें देने में अनसुनी कर देता है, जिसके कारण से मजबूर होकर के सरकार के खिलाफ और विभाग के खिलाफ हड़ताल पर आना पड़ता है। और हम लोगों का GDS का समिति द्वारा अनुशंसित 3 आर्थिक उत्थान, इस विषय पर सरकार की चुप्पी GDS के लिए दुखदाई है। 3 आर्थिक उत्थान GDS के 1/1/16 से लेकर के 12/24/36 ये जो है ना कि इंक्रीमेंट दिया जाता है, ये इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण से हम लोगों को सड़क पर हड़ताल के लिए उतरना पड़ता है।